कि आखिरकार जो पुलिस अपने आप को सबसे स्मार्ट पुलिस बताती है, वो पुलिस आखिरकार आपराधिक मामलों पर रोकथाम क्यों नहीं लगा पा रही है। जब पुलिस को सूचना मिलती है कि एक खून से लथपथ हालत में शव पड़ा हुआ है, जब मौके पर दिल्ली पुलिस पहुंचती है। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में गणतंत्र दिवस को लेकर दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है और लगातार अपने आप को स्मार्ट पुलिस बताने की बातें करती हैं। बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, चुस्त दुरुस्त सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है, लेकिन इसी बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार जो पुलिस अपने आप को सबसे स्मार्ट पुलिस बताती है, वो पुलिस आखिरकार आपराधिक मामलों पर रोकथाम क्यों नहीं लगा पा रही है। एक तरफ गणतंत्र दिवस को लेकर तमाम सुरक्षा के इंतजाम कर दिए गए हैं, वहीं दूसरी तरफ एक के बाद एक आपराधिक मामले देश की राजधानी दिल्ली से सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि बीते दिन रजौरी गार्डन इलाके से भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है, जब पुलिस को सूचना मिलती है कि एक खून से लथपथ हालत में शव पड़ा हुआ है। जब मौके पर दिल्ली पुलिस पहुंचती है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगालने की कोशिश करती है और जांच पड़ताल शुरू करती है, तब उस शव की शिनाख्त शाकिर हुसैन उर्फ पिंकी के रूप में होती है, जो कि रघुवीर नगर के सी ब्लॉक का रहने वाला था। आपको बता दें कि जिसके बाद पुलिस लगातार जांच पड़ताल करने की कोशिश करती है और अपने टेक्निकल और मैनुअल सर्विलेंस के आधार पर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लेती है। आपको बता दें कि आरोपी की गिरफ्तारी हरियाणा के सोनीपत इलाके से होती है, जिसका नाम समीप बताया जा रहा है। उसके बाद लगातार उस आरोपी से पूछताछ की जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि कोई पैसे का लेन देन था, जिसके बाद ये पूरा मामला सामने आया है। हालांकि कुछ ही दिन पहले यानी 10 जनवरी को दिल्ली के ही ईस्ट दिल्ली से सनलाइट कॉलोनी में भी कुछ ऐसा ही मामला हुआ था, जब वहां पर भी एक और किन्नर की हत्या कर दी गई थी, जिसका नाम अभिषेक तोमर उर्फ मीनल बताया जा रहा था। और आपको यह भी बता दें कि वहां पर से भी करीब एक आरोपी को दिल्ली पुलिस अब तक गिरफ्तार कर चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि एक के बाद एक देश की राजधानी में किन्नर की हत्या एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। एक तरफ गणतंत्र दिवस को लेकर पुलिस सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ अपराधी अपराध को करते जा रहे हैं। ऐसे में क्या राजधानी सुरक्षित रह पाएगी, राजधानी के लोग सुरक्षित रह पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, अपनी राय जरूर दीजिएगा।